हे गाइज, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइज आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड किया था एयरटेल ट्रिक के बारे में। 400 Mbps का ट्रिक था। तो चलिए आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक पे बात करते हैं। तो वीडियो में अपने रहिए कि किन किन लोगों को स्पीड ट्रिक चाहिए। 400+ का स्पीड था, तो मैं आज उसी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की इंटेक बने रहिए, आपको बताते हैं इसका प्रोसेस। तो देखिए क्या है, आपको बगल स्क्रीन में दिख जाएगा। इस पे गए स्पीड टेस्ट पे, उसके बाद नॉर्मल जो रहता है हम लोग का वो कर लेते हैं। ये हो गया सर्वर सिलेक्ट, अब गो। तो देख सकते हैं स्पीड कितने आ रहा है, 40, 50 के अप्रोक्स आ रहा है। ओके, तो अब ट्रिक क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए इसको कट करते हैं, सर्वर में जाते हैं, सर्वर में सर्च करते हैं नोएडा। ओके, ओनली नोएडा सर्च करना है, NOIDA नोएडा सर्च किए। नोएडा सर्च करने के बाद आपको आ जाएगा एयरटेल ब्रॉडबैंड नोएडा, है ना। उस पर क्लिक करना है, उसको उस पर क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्पीड आपको टेस्ट करना है। बूम, देख सकते हैं गाइज अपना स्पीड 300 से 400 का कंसम दे रहा है, 400 से 500 भी आ सकता है कभी कभी। रात में रहा तो 500+ ही जाएगा स्पीड, ठीक है। तो देख सकते हैं, और इसका अपलोडिंग स्पीड देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, 500+ आ रहा है गाइज। तो देख सकते हैं ये स्पीड, ठीक है। मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि ये स्पीड जो है कोई काम का नहीं है, लिटरली ये स्पीड कोई काम का नहीं है, सिर्फ शो अप के लिए है। सिर्फ आप दिखा सकते हैं किसी को, हाँ गाइज मेरा इतना स्पीड चल रहा है, लेकिन ये स्पीड कोई काम का नहीं है। मैंने ऑलरेडी चेक कर चुका है सारा कुछ, मैंने इसके बारे में जान चुका हूँ। हाँ, तो गाइज अब नेक्स्ट स्टेप है, एक वीडियो को अपलोड करने में कितना समय लगता है। तो देख सकते हैं मेरे पास एक वीडियो का फाइल है 1.31 GB का, देख सकते हैं। तो इस फाइल को अब मैं YouTube पे अपलोड करूँगा। और साथ में मैं स्टॉप वॉच का टाइमर भी लगा देता हूँ, तो कितने सेकंड में होगा ये पता चल जाएगा आपको करेक्टली। तो अपलोड स्टार्ट हो चुका है, अब मैं टाइमर स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि कितना समय लगता है इसमें। देख सकते हैं यहाँ पे अपलोडिंग परसेंटेज शो कर रहा है। देख सकते हैं मेरा 98% हो चुका है, 99, और 4 मिनट 40 सेकेंड लगा मेरे को 1 GB का 1.31 GB का फाइल अपलोड करने में 40 Mbps के प्लान में, ठीक है। और मैंने सेकेंड फ़ोन से ट्राई किया, उसमें 3:53 सेकेंड आया था। तो और एक बात गाइस कि इस वाले ट्रिक पर जो जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पे सारे के सारे ऐसे ही हैं, मतलब कोई सा भी ट्रिक काम नहीं करेगा। जो जिस प्लान का आप रिचार्ज करवाते हैं, जितने Mbps आपको प्लान में दिया जाता है उतना ही Mbps आपको मिलेगा। कोई भी ट्रिक लगाने से या ये करने से कुछ नहीं होने वाला है। जितना Mbps आपको मिलने का है प्लान में, 40 Mbps का 4-5 Mbps पर स्पीड मिलेगा, मतलब 4-5 Mbps पर सेकेंड मिलेगा, उतना ही मिलेगा आपको। कोई सा भी ट्रिक लगाने से आपको 200-300 का स्पीड नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही वीडियो में था गाइस, ऐसे ही बताने के लिए लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे भी चीज़ थे कि हाँ ट्रिक लगाने से कुछ ज़्यादा स्पीड मिलता है, कोई एयरटेल के ये है हैक वगैरह को कुछ यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।